ये नूनी बकरा, यानी ये जो बकरा जो है, ये हिरन और बकरे की क्रॉस से जो ना एक नई नस्ल बनाई गई है। बेहतरीन किस्म का ना हेयर स्टाइल बनाया हुआ है, जैसे जो रैम्बो का नहीं होता वैसा हेयर स्टाइल है। इस बकरे को जो है ना नाचा बकरा कहते हैं, और इस बकरे को देखते हैं। अच्छा, ये वो उन चंद बकरों में से है जो कंपटीशन में ना जिसने पोजीशन लिया। मुझे अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज जो है मैं एक स्पेशल जगह पे जा रहा हूँ, जहाँ पे जो है, क्योंकि आपको पता है ईद वैसे भी आ रही है, लेकिन इस जगह का जो है ना ईद के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हम जा रहे हैं बकरों के मुकाबला है हुसैन के अंदर, तो वो यहाँ से कोई 20-25 किलोमीटर के ड्राइव पे है। किधर जा रहे हो? उधर शेहूपुरे बकरा बकरे वाला शो है, बड़ा प्यारा, 2024 का फेस्टिवल है, तो इंशाल्लाह आपको फिर मुलाकात करते हैं आपके साथ। चलो विद प्रेमी भाई, आप किधर जा रहे हो साथ? बस विकी भाई हमें लेके जा रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई शो वगैरह है तो हम उनके साथ ही जा रहे हैं। अच्छा, रास्ता जो था वो कि अराउंड 25 किलोमीटर था, लेकिन सबको साथ लेते लेते कोई 2-4 गाड़ियां थी और 1-2 बसें थे, तो हमें साथ साथ लेते लेते कोई 1.5-2 घंटे लग गया पहुंचने में। और यहाँ पे जो है अभी यहाँ पे सारे कजन वगैरह जो है और हमारे चाचू जो है सारे इकट्ठे हो रहे हैं और इंतजाम कर रहे हैं बकरों का। सब क्या हाल है? लोकेशन पे हम पहुंच चुके हैं और लोकेशन पे जो है ना यहाँ पे फुल ईद का समय है, यानी फुल लाइटिंग है और एक से एक पढ़ के माशाल्लाह से बकरा नजर आ रहा है, जो शायद पहले कभी मैंने भी देखा भी नहीं है। यानी बहुत खूबसूरत और बड़े मजे के बकरे हैं, देखने में मजे के बकरे हैं, खाने में तो मजे के बकरे होते ही हैं। सही बात है। तो अभी जो है अभी हम अपने जो जिन जानवरों के साथ हम अभी आए हैं, यानी जिन मेरे कजन के जो हैं बकरे वगैरह जो हैं, उसके इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उसकी गाड़ी जो है ना अभी पीछे है, तो जैसे ही वो आता है तो फिर हम ना एंटर होंगे और फिर आपको मैं बाकी सारे भी दिखाऊंगा और वो भी दिखाऊंगा जो यानी मेरे कजन ने पाले हैं और वो जो यहाँ पे नुमाइश के लिए कह सकते हैं, हम मुकाबला हुसैन के लिए जो भी अवार्ड यूज करें उसके लिए यहाँ पे लेके आए हैं। इस बकरे को जो है ना नाचा बकरा कहते हैं, और इस बकरे को देखते हैं। फाइनली अपने बकरे भी आ चुके हैं, तो बकरों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो है ना कजले बकरे हैं, यानी छत्रों की जो है ना एक किस्म होती है कजला बकरा। तो यहाँ पे जो ये कंपटीशन हो रहा है ये भी कजला बकरा और कजला छत्रा का शो हो रहा है। तो यहाँ पे अब सारे मिलके ना कोई 4 बकरे थे हमारे जो ये पाले में, माशाल्लाह से बड़े अच्छे पले बले बकरे हैं। तो अभी सारे मिलके ना उन बकरों को लेके ना अपने स्टॉल की तरफ भर रहे हैं। ये नूनी बकरा है, यानी ये जो बकरा जो है ये हिरन और बकरे की क्रॉस से जो ना एक नई नस्ल बनाई गई है, जिस और इसमें हिरन की खसूसियात भी हैं और बकरे की खसूसियात भी हैं। यानी अगर आप इसके कान देखें तो वो हिरन की तरह के छोटे छोटे कान हैं, क्योंकि हिरन के छोटे छोटे कान होते हैं। उस साइड के ऊपर जो है मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे जो है बकरों का ना वेट हो रहा है, साथ में जो है ना यहाँ पे कजला बकरे जो होते हैं ना, कजला छत्रों की एक किस्म है, उनके ना वेट का कंपटीशन होता है कि कौन सा बकरा जो है ना ज्यादा वजन का है और उसका कितना वजन है। तो बकरों का प्रॉपर वेट होता है और जिस बकरे का वेट ज्यादा होता है तो उसको ना फिर इनाम मिलता है। तो यहाँ पे ये स्टेज है, यहाँ पे कुछ 2 ऊंट भी आए हुए हैं, तो मेरा ख्याल है यहाँ पे ऊंटों का भी शायद कोई कंपटीशन होगा। ऊंट माशाल्लाह बहुत से बहुत प्यारे हैं। इस छतरे को चेक करें, इस छतरे की खूबसूरती कितनी खूबसूरती है माशाल्लाह से, और इसका हेयर स्टाइल है वो सबसे फिट है। बेहतरीन किस्म का ना हेयर स्टाइल बनाया हुआ है, जैसे जो रैम्बो का नहीं होता वैसा हेयर स्टाइल है। अच्छा, यहाँ पे खाना पीना जो है ना अपना इंतज़ाम करना पड़ता है। ये जो खाने पीने का इंतज़ाम किया हुआ है ना, ये मेरे कज़न ने खुद अरेंजमेंट की हुई है, यानी पानी का और खाने पीने का। यहाँ पे इवेंट वालों की तरफ से ना कोई खाने पीने का नहीं होता, तो आपको खुद बाय करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ना ये फ्री खाना दिया जा रहा है कज़न की तरफ से। हांजी हनी भाई, कैसा लगे आप यहाँ पे आ गए? आप बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि रोटी मिल गई है।
रोटी के बहुत देर से ना बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, तो रोटी मिली है तो सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये अहमद और हसन की ना इस टाइम बात सुनी हुई है, और ये दोनों जो है ना इस टाइम बहुत थक चुके हैं, क्योंकि रात के 12 बज चुके हैं, तो थकन का भी नहीं है यहाँ पे, फुल टाइम रोटी खुल चुकी है। अच्छा प्यारा सा जानवर पालना ना आसान काम नहीं है, तो यहाँ पे बकरे को ना लस्सी बना के पिलाई जा रही है, क्योंकि थोड़ी सी गर्मी है ताकि उसे सुकून मिले। और यहाँ पे अब जो है ना डिफरेंट बकरे जो है ना, एक दो चार लोग जो है ना वो डिसाइड कर रहे हैं, जो जूरी है वो डिसाइड कर रही है कि कौन सा बकरा ज्यादा खूबसूरत है। तो यहाँ पे ना अभी कंपटीशन चल रहा है, अभी कोई नहीं है, ये तकरीबन ना फजर तक सुबह चलेगा इसी तरह कंपटीशन। अच्छा ये वो उन चंद बकरों में से है जो कंपटीशन में ना जिसने पोजीशन लिया, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि ये फर्स्ट आया था या सेट आएगा, लेकिन ये कि टॉप पोजीशन में से ये बकरा है। अपनी एनर्जी फुल करने के बाद जो है ना विकी अब बकरों को भी एनर्जी फुल करा रहा है, और उनको ना बड़े प्यार से खाना शाना खिला रहा है ताकि वो भी एक्टिव रहे। यहाँ पे जो है ना मारखोर भी आई हुई है, ये ब्लैक कलर की जो है ना ये मारखोर, और ये जो व्हाइट कलर का है ना इसके सींगों से मुझे लग रहा है कि ये मारखोर नहीं है, ये शायद मारखोर और बकरे का क्रॉस है, जिसकी वजह से इसके सींग जो है ना कुछ मारखोर की तरह के और कुछ बकरों के होने की वजह से ना थोड़े से अजीब डिफरेंट से सींग एक्स सा बना हुआ है। ये वो सारे स्टॉल लगे हुए हैं जो जो इवेंट इंतजामिया की तरफ से स्टॉल लगे हुए हैं, यहाँ पे डिफरेंट किस्म की चीजें लगी हैं, बिरयानी बारबेक्यू टिक्के बोतलें जूस लस्सी, लेकिन ये सारे स्टॉल जो है ना ये पेड स्टॉल लगे हुए हैं, यानी अगर आपको भूख लगे तो यहाँ पे आप पैसे दे के ना खाने वगैरह खा सकते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट वराइटी ऑफ खाना खाने की लगी हुई है। तो खैर इसी के साथ जो है ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म हो रहा है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ही कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।